पहले भगवान का नाम, बाद में कोई काम। रोड तो ठीक है, अब देख लो ठंडी सड़क, तो कितनी ठंडी पड़ी हुई है, इतनी ठंडी ठंडी पड़ी है कि यहाँ पे कोई नहीं है। और माल रोड किच पिच किच पिच। नैनीताल रात में ऊपर से यानी पहाड़ से देखने पर कुछ ऐसी दिखती है, तारों जैसा लग रहा है ना। इधर से नैनीताल से ऊपर चढ़ते हुए हम ऐसे पंगोट की तरफ जाएंगे। पंगोट यहाँ से 8 किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो लोकेशन है बेसिकली वो हिमालय के दर्शन करा रही है सीधा सीधा। तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं, खड़ी हो गई हैं, और बहुत सारे लोग हिमालय के दर्शन कर रहे हैं। बर्फ़ के पहाड़ नज़र आ रहे हैं, तो वो मैं अभी दिखाऊँगा। इधर देखो यहाँ पे पहाड़ों से कैसे पानी निकलना आ रहा है, ये देखो। खरीदारी के लिए भी बना दिया है। सारी वादियाँ नजर आ रही हैं, लग रहा सारे पहाड़ नीचे रह गए। यहाँ जो दिख रहा है ना, ये अपने आप में एक व्यू है। इस व्यू को देखने के लिए तमाम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। देखो कितना बढ़िया लग रहा है ये चक्कर। आधा तो धुंध में ही हो रहा है यहाँ, देखना मैं धुंध में हो रहा है। देखो कैसे भीड़ लग रही है, हॉर्स राइडिंग भी कर रहे हैं लोग। ये जो लेफ्ट साइड में आपको मंदिर नजर आ रहा है, सत्यनारायण जी का मंदिर है, जो पंगोट जाते वक्त आपको रास्ते में ही दिखाई दे जाएगा, आप वहां जाकर दर्शन कर सकते हैं। Thank you.
इसका गेट और यहाँ से एंट्री लेंगे। रिसेप्शन से पहले कुछ इन्होंने ऐसे रेस्टोरेंट का दिया हुआ है, यहाँ रिसेप्शन है। और यह बालकनी का नजारा। शानदार व्यू आ रहा है, और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर सकते हो अच्छे से। देखो आपकी पार्किंग के तौर पे यहाँ पे पार्किंग हो जाती है गाड़ी। बेसिकली ये क्वार्टेज है, और मेरे हिसाब से यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं ना, वो बेसिकली ये वाला व्यू तो देख ही देख रहे हैं, ये सारा व्यू तो देख रहे हैं। अगर आप बरसात के सीज़न में आते हैं तो आपको ज़रूर से यहाँ पे वाटरफॉल वगैरह चलते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये देखो माउंट है, तो इस तरह से यहाँ इधर भी माउंट है, और ये रास्ते जो जा रहे हैं तो झरने आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये विंटर का सीज़न है, और अभी आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ही आप स्पेंड करें। इसे बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है, और यहाँ पे आपको सब फैसिलिटी आपको देंगे, बोनफायर वगैरह आप सब कर सकते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम बिट्टू। बिट्टू भैया आप काफी समय से हो गए यहाँ पे? मेरे को लाल। कैसे कैसे लोगों का अटेंड किया? सर जैसे कि यहाँ आते हैं बहुत लोग, लोकल भी आए होंगे, बाहर के भी लोग आते होंगे। बताइए क्या क्या कैसा है ये रूम? सर रूम है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स रूम है, रूम नंबर 101। कितने रूम है बेसिकली यहाँ पे? सर यहाँ पे 6 रूम है। 6 रूम है। तो ये जो रूम है ये है, देखो तो बिट्टू ये बेसिकली जो लोग आते हैं यहाँ पे, तो वो रूम में यहाँ एंजॉय करने के लिए आते हैं, या फिर मतलब यहाँ पे आसपास कोई व्यू पॉइंट भी है ऐसा? व्यू पॉइंट आगे का पूरा व्यू या बर्ड सेंचुरी है, पूरी व्यू पॉइंट। तो यहाँ से लोग जाते भी हैं देखने के लिए, या फिर वो ज्यादा समय यहीं स्पेंड कर रहे हैं? सर यहीं स्पेंड, ज्यादा समय यहीं स्पेंड कर रहे हैं। तो बेसिकली कौन से समय में सबसे ज्यादा लोग आते हैं यहाँ पे? सर यहाँ दिसंबर के टाइम पे। दिसंबर में, बरसातों के सीजन में? नहीं सर, बरसातों के सीजन में भी आते हैं, हमारा हमेशा पैक रहता है। पैक रहता है यानी आते हैं। ये देखो ऊपर डुप्लेक्स में आया हुआ है, काफी अच्छा लग रहा है। ये है बेड, ये बेडरूम है, पूरा लकड़ी का बना हुआ, बहुत अच्छा है। इधर भी देखो ये पर्दा है, शायद कुछ है, मैं पर्दा हटा के दिखा देता हूँ। हाँ रेक है, क्या है, विंडो है शायद, विंडो खोल लेता। यहाँ बैठ के चाय वाय पी सकते हैं, देखो बड़ा अच्छे से डेकोरेट है। तो ये बालकनी सी बनी हुई है, और यहाँ से ये जो तैयार हो जाइए, नेक्स्ट ब्लॉग में लोकल लोगों से भी बातें करेंगे। टेक केयर।